डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रेस अराउंड कंडीशन, और रेस अराउंड कंडीशन होती क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, सारे की सारी चीजें आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले जब भी हम रेस अराउंड कंडीशन की बात करते हैं तो ये कब अक्कर होती है, उसके लिए ये तीनों कंडीशन को नोट करना बहुत ही जरूरी है। मतलब ये तीनों कंडीशंस जब इकट्ठी अक्कर होंगी तब जाके रेस कंडीशन होती है। तो पहला चीज जो है वो नोट करने वाली है कि सर, इन तीनों में से अगर कोई एक भी होती है तो क्या रेस कंडीशन होगी? नहीं। जब ये तीनों की तीनों कंप्लीट होंगी तभी जाके रेस कंडीशन जो है वो अक्कर होगी। तो ये नोट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन नंबर वन, लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। मतलब ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप, पहली बात है कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए। और जेके फ्लिप फ्लॉप में भी हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में कि यार हमारे पास जो ट्रिगर होता है वो दो तरीके से होता है, एक एज ट्रिगर और एक लेवल ट्रिगर। तो एज ट्रिगर को तो भूल जाओ। अगर आप रेस कंडीशन की बात करो तो एज में रेस कंडीशन नहीं होती, लेवल ट्रिगर में होती है। हाँ, लेवल में चाहे आप पॉजिटिव लेवल ले लो चाहे नेगेटिव लेवल ले लो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। तो यानी जो मेरी क्लॉक है वो आपकी लेवल जो है वो होनी चाहिए। तो लेट्स से एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं पॉजिटिव लेवल। तो लेट्स से जो मेरी ये क्लॉक है, जो मैं क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा फ्लिप फ्लॉप कब एक्टिवेट होगा, कब एक्शन में आएगा? लेट्स से जब हमारा पॉजिटिव लेवल आएगा। पॉजिटिव लेवल मतलब ये वाला, ठीक है? तो जब जब पॉजिटिव लेवल आएगा तब तब जो है वो आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रिगर होगा, ठीक है? तो चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव, बात एक ही है, बट होना लेवल चाहिए। दूसरा, व्हेन जेके इज इक्वल टू 1। अब जे और के की वैल्यू तो 0001 1011 चार कॉम्बिनेशन थे, लेकिन कब अक्कर होगी, कब रेस अराउंड कंडीशन अक्कर होगी? जब मेरा टॉगल मोड में होगा। और टॉगल मोड कब होता है? जब जे और के की वैल्यू क्या होती है, 1 1 होती है, ठीक है? तो ये दूसरी कंडीशन। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, टी डब्ल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टी डी। अब टी डब्ल्यू क्या है, जैसे ये मेरी क्लॉक है, अब इस क्लॉक में ये एक टाइम पीरियड है, ठीक है? ये एक क्लॉक का मेरा टाइम पीरियड है। अब इसमें लेट से ये मेरा क्या है टी डब्ल्यू, और ये भी मेरा क्या है टी डब्ल्यू, ठीक है? तो आप ये कह सकते हो कि जो मेरा टी टाइम है उसमें हाफ टाइम तक क्या होगा, पॉजिटिव लेवल होगा, और हाफ टाइम तक क्या होगा, नेगेटिव लेवल होगा। तो आप एक तरह से ये कह सकते हो कि मेरा टोटल टाइम T है, या आप ये कह सकते हो कि what will be the value of TW, it will be T by 2। मतलब T अगर let's say मेरा 10 nanosecond का है, just for example, तो TW क्या होगा, T by 2, मतलब 5 तक होगा, ठीक है? तो आपका चाहे पॉजिटिव एज ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, सॉरी एज नहीं लेवल, पॉजिटिव लेवल ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, बात एक ही है, ठीक है? तो let's say हमने पॉजिटिव लेवल ले लिया, तो यानी T by 2 तक आपकी जो है वो TW की वैल्यू। अब TD क्या है, TD का मतलब यहां पे क्या है कि आपका ये जो फ्लिप फ्लॉप है, जब हम इसमें वैल्यू दे रहे हैं, इनपुट देखो हमने दे दी इनपुट 1 1, इनपुट तो ऑलरेडी लगी हुई है, उसमें पास कर दी 1 1। अब 1 1 पास होने के बाद क्या आउटपुट यहां पे आएगी, यहां पे अभी आउटपुट नहीं आएगी। आउटपुट कब आएगी, जब हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, अंदर का जो सर्किट है, अंदर का जो सर्किट है पूरा का पूरा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप और उसमें चेंज करके फीडबैक देके बनाया था, तो वो भी तो कोई ना कोई डिले लेगा, वो भी तो प्रोसेस कर रहा है ना, वो भी तो गेट है, नैंड गेट है, नॉर गेट्स है, तो वो भी तो प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो वो आपका प्रोपेगेशन डिले कह लो, प्रोसेसिंग डिले कह लो, तो दैट डिले इज व्हाट टी डी। मतलब टी डी इज व्हाट, टाइम टेकन बाय द फ्लिप फ्लॉप टू प्रोसेस द इनपुट, ठीक है? ताकि उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर सके। तो लेट से अगर टी डब्ल्यू मेरा लेट से 10 है, और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो लेट से मेरा क्या है 2 है, तो इस केस में क्या होगा? जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं कि मेरी जो ये पॉजिटिव लेवल है ये बहुत देर तक बढ़ा हुआ है, मतलब ये जो है वो काफी देर तक चलता है, और जो मेरा डिले है वो काफी कम है, तो उस केस में आपका जो है वो क्या होगा, रेस अराउंड कंडीशन अक्कर होगी। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं एक और चीज यहां पे बताता हूं। लेट्स से ये मेरा जो है वो जेके फ्लिप फ्लॉप है, पहली दो कंडीशन तो आपको पता लगी गई, लेट्स से ये मेरा जो क्लॉक है वो क्या है लेवल, दूसरा मेरी जे और के की वैल्यू क्या है 1 1, ठीक है? तो ये तो दो कंडीशन तक तो आपको समझ में आई गई। अब तीसरी कंडीशन को समझते हैं। लेट्स से मेरी यहां पे ये क्यू है, ये क्यू बार है,
लेट से क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो, तो ऑब्वियसली क्यू बार क्या होगा, वन। अब देखो क्यू जो है प्रीवियस आउटपुट जो ऑलरेडी है वो आउटपुट या तो वो जीरो होगी या वन होगी, लेट से आप ले लेते हैं उसको जीरो, ठीक है। अब ये जीरो है तो ऑब्वियसली क्यू बार क्या होगा, वन। अब देखो ये जीरो है तो ये जीरो यहां पे चल के यहां पे आ गई जीरो, और ये वन जो है वो यहां पे चल के आ गया, ठीक है। अब देखो ये वन 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 ये क्या होगा, एक तरह से जीरो, और ये जीरो नैंड गेट में जीरो आती है तो आउटपुट क्या आती है, वन आती है। अब जीरो वन के केस में ये जो लैच है, जो ये एसआर लैच है, जीरो वन के केस में एक आउटपुट देता है, वन देता है, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, वन, और क्यू बार ऑटोमेटिकली क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, पहले जीरो थी आउटपुट, अब नई स्टेट में आउटपुट क्या आ गई, वन आ गई, टॉगल हो गया ना, टॉगल हो गया। अब देखो ध्यान से कि लेट से यहां पे जो मैंने क्लॉक पल्स अप्लाई की थी उसमें ये जो टी डब्ल्यू टाइम था, ये जो टी डब्ल्यू टाइम था, मैं पॉजिटिव लेवल लेके चल रहा हूं, तो ये जो टी डब्ल्यू टाइम था ये काफी बड़ा टाइम है, और ये जो टी डी टाइम है ये बहुत छोटा है। मतलब यहां पे इनपुट से आउटपुट आने में टाइम मेरा कम लग रहा है और ये टाइम ड्यूरेशन मेरा काफी ज्यादा है, ठीक है, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। तो उस केस में होगा क्या, जैसे हमने ये क्लॉक पल्स अप्लाई की, ये क्लॉक पल्स अप्लाई की, जैसे ये पॉजिटिव लेवल में आया, जैसे ये जीरो से वन में हुआ, पॉजिटिव लेवल में आया, तुरंत वन वन यहां पर अप्लाई की, और पहले वाली वैल्यू जीरो थी तो इसने आउटपुट क्या दे दी, वन, और यहां पे जीरो, टॉगल कर दिया। अभी ध्यान से देखो, अभी भी ये क्या है, अभी भी ये पॉजिटिव लेवल में चल रहा है, क्योंकि ये ड्यूरेशन लेट से मैं 10 ले लेता हूं और ये पूरे को सॉल्व करने में टाइम लगा मेरा 2, तो यानी 2 नैनो सेकंड में इसने आउटपुट दे दी, बट अभी भी मेरा पॉजिटिव चल रहा है, अभी भी मेरा लेवल क्या है, पॉजिटिव। तो ये अभी भी क्या है, ट्रिगर है, ये अभी भी क्या है, सर्किट ट्रिगर्ड है, एक्शन में है। तो क्या होगा, तुरंत क्या होगा, ये जो 1 यहां पे आया था ना, ये 1 प्रोपेगेट होके, क्योंकि लाइन पे तो है ही, ये कनेक्शन तो लगे हुए, तो ये जो 0 से 1 हुआ था ये आउटपुट अभी भी लाइन में ही है, तो तुरंत ये लाइन फीडबैक में जाके यहां पे पहुंच गई, और ये जो 0 है वो फीडबैक में जाके यहां पे पहुंच गया। तो ये 0 देखो सारी इनपुट्स में वैल्यू आ गई, और ट्रिगर ये ऑलरेडी है, तो जैसे ये ट्रिगर है ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, यहां पे 1 और यहां पे 0 कर देगा, और ये तुरंत 1 0 के केस में आउटपुट क्या देता है, 0 और 1। लो जी, तुरंत ये वैल्यू जो है वो दोबारा से फिर क्या हो गई, टॉगल हो गई। मतलब आपका ये जो पॉजिटिव लेवल अभी चल रहा है उसी लेवल के ड्यूरेशन में ये 0 से 1 हुई और 1 से 0 भी हो गई, दोबारा फिर 0 से 1 हुई और ये 1 से 0 होगी, मतलब ये टॉगल करता जा रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा, हमें एक्चुअल में पता ही नहीं लग रहा कि मेरी आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है 1 आ रही है, क्या आ रही है, वी आर अनसर्टेन, हम उसको डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, इसको बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। तो आप इसको क्लॉक में भी देखना चाहते हो तो आप इस तरीके से जो है वो इसको मेंशन कर सकते हो कि लेट से ये मेरा जो है वो पॉजिटिव लेवल है, ये मेरी क्लॉक की वैल्यू है और ये मेरी क्लॉक जो है वो इस तरीके से, तो यहाँ पे आपकी एक तरह से आउटपुट क्या हो रही है, जैसे ही हमने यहाँ पे लेवल पॉजिटिव लेवल ट्रिगर लेके चल रहे हैं तो ये अप गई, अप जाने के बाद जैसे मेरी लेट से क्यू की वैल्यू क्या थी, पहले 0 थी, क्यू की वैल्यू क्या थी, 0, 0 से गई अप 1, 1 गई, अब ये 1 पूरे टाइम तक होनी चाहिए थी, कायदे से तो ये 1 जो है वो पूरे टाइम तक होनी चाहिए थी ऐसे, मतलब जब तक ये पूरा का पूरा नहीं होता तब तक ये टॉगल एक बार, एक क्लॉक पल्स में एक बार टॉगल होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, हो रहा है इससे उल्टा ही हो रहा है आपका, क्या कि क्यू की वैल्यू 0 थी वो 0 से अप हो गई, जैसे ही हमने ट्रिगर किया वो 0 से क्या होगी, 1 हो गई। अब ऑलरेडी मेरा यहां पे प्लस है, ऑलरेडी मेरा यहां पे पॉजिटिव लेवल है, तो ये क्या होगी, दोबारा फिर टॉगल होगी 1 से 0, दोबारा फिर टॉगल हो गई 0 से 1, दोबारा फिर टॉगल होगी 1 से 0, दोबारा फिर टॉगल होगी 0 से 1। इस तरीके से आपकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, एक ही क्लॉक पल्स में मल्टीपल टाइम टॉगल हो रही है, तो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आउटपुट 0 आ रही है 1 आ रही है 0 आ रही है 1। दिस इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन। तो आपको पूरा सिनेरियो विद एग्जांपल सारी की सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी। थैंक यू।